नमस्कार, N1 लाइव पर आपका स्वागत है। पेश है आज की कुछ खास खबरें। हिमाचल प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को सुक्खू सरकार की 13 जनवरी को प्रस्तावित पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन का तोहफा मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अर्की में उन्होंने पहली बार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की बात कही थी। इसका मकसद कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया, लेकिन कर्मचारियों के 5,000 करोड़ रुपए का एरियर नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के युवा कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह 13 जनवरी को प्रस्तावित पहली मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। विक्रमादित्य सिंह ने खुद ये जानकारी देते हुए कहा है कि वो नई दिल्ली में हैं और 13 जनवरी को पारिवारिक विवाह समारोह के लिए जयपुर जा रहे हैं, इसलिए 13 जनवरी को शिमला में होने वाली कैबिनेट बैठक में वो शामिल नहीं होंगे। राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार करने के 4 दिन बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार रात करीब 9:30 बजे विभागों का बंटवारा कर दिया। वरिष्ठ मंत्री धनीराम शांडिल को स्वास्थ्य, चंद्र कुमार को कृषि और हर्षवर्धन चौहान को उद्योग विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। जगत सिंह नेगी को राजस्व, रोहित ठाकुर को शिक्षा विभाग सौंपा गया है। युवा मंत्री अनिरुद्ध सिंह ग्रामीण विकास और विक्रमादित्य सिंह लोक निर्माण विभाग और खेल विभाग संभालेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के IG रैंक के 2005 बैच की सुविधा और संतोष कुमार को प्रमोशन देकर लेवल 14 का पे स्केल दे दिया है। DIG रैंक के 2009 बैच के IPS अधिकारी गुरुदेव चंद, विमुक्त रंजन और अनुपम शर्मा को लेवल 13 का पे स्केल दे दिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल के बेरोजगारों को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार हर साल 500 बेरोजगारों को ई व्हीकल खरीदने के लिए कर्ज देगी। राज्य सरकार अब मुख्यमंत्री स्वावलंबी योजना में इलेक्ट्रिक वाणिज्य वाहनों की खरीद के लिए 1 करोड़ तक के ऋण लाभार्थियों को देगी। अभी तक ऐसे डीजल वाहनों की खरीद के लिए सरकार स्वावलंबी योजना में 60 लाख रुपए का लोन देती थी। हिमाचल प्रदेश के चंबा और शिमला जिले में 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए। भरमौर पठानकोट हाईवे पर हड़ोठा में आल्टो कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक पूर्व सैनिक की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। मृतक की पहचान सुरेंद्र कुमार पुत्र टेकचंद गांव हड़ोठा तहसील और जिला चंबा के रूप में हुई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के द्रंग इलाके की दुर्गम चौहार घाटी में देर रात भीषण आग लग गई। इस आगजनी की घटना में 2 परिवार बेघर हो गए। दोनों परिवारों के पास तन पर पहनने के लिए कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा है। सुधार पंचायत के घगटियाण गांव में बुधवार रात करीब 10:30 बजे ये अग्निकांड हुआ। घटना के वक्त दोनों परिवारों के सदस्य सो रहे थे। उत्तराखंड के जोशीमठ की त्रासदी के बाद हिमाचल प्रदेश को लेकर भी एक बार फिर भूगर्भ वैज्ञानिक चिंता में पड़ गए हैं। क्षमता से अधिक भवन निर्माण के कारण प्रदेश की राजधानी शिमला, मैकलोडगंज और धर्मशाला में भूमिगत चट्टाने लगातार दरक रही हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि यदि समय रहते अनियंत्रित और अवैज्ञानिक निर्माण नहीं रोका गया तो देर सवेर यहाँ भी जोशीमठ जैसा हाल होगा। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बाद बुधवार रात को हुई बर्फबारी से अटल टनल, रोहतांग, मनाली रेल राष्ट्रीय राजमार्ग समेत करीब 182 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद पड़ी हुई हैं। 163 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप हो गए हैं। बुधवार रात को लाहौल और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। बारिश के बाद किसानों और बागवानों ने राहत की सांस ली है। वहीं मनाली ले राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 505 बर्फबारी के चलते सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। अग्निवीर भर्ती में ग्राउंड टेस्ट और मेडिकल परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 15 जनवरी को वल्लभ महाविद्यालय मंडी में होगी। परीक्षा में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों को उस दिन सुबह 5 बजे परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा। सेना भर्ती शाखा कार्यालय मंडी के निदेशक अविनाश नाथ ने बताया है कि अभ्यर्थियों के पास सेना भर्ती कार्यालय मंडी की ओर से जारी प्रवेश पत्र और 2 पासपोर्ट आकार की फोटो साथ लाना अनिवार्य है।